हाय, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सैमसंग में बहुत ही बेहतरीन फीचर आती है इसके बारे में। ये जो फीचर है आपको सैमसंग के सिलेक्टेड टीवी और सिलेक्टेड फ़ोन के साथ ही काम करता है। तो अगर आपके पास ये दोनों ही डिवाइसेज हैं तो आप इस फीचर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस फीचर्स का नाम मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। तो आपको क्या करनी है, सैमसंग टीवी में आपको जानी है सेटिंग में और यहाँ पर आपको जानी है रिमोट एक्सेस। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको ओके करोगे, यहाँ पर देख सकते हैं इसको दिख रहा है सैमसंग डेस्क। ये जो है न्यू फीचर्स है जो आपको सिर्फ और सिर्फ सैमसंग टीवी में ही देखने को मिलता है। और फीचर्स को यूज़ करने के लिए आपके पास सैमसंग का फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं इस फीचर्स क्या है, बेनिफिट क्या है इसका। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको फ़ोन को कनेक्ट करना होगा इसके साथ। तो यहाँ पे क्या करनी है, आपको अपने फ़ोन में जानी है और वहाँ पे डेस्क ओपन करके इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका टीवी का, अभी मैं दिखाता हूँ फ़ोन में क्या करनी है। सो मेरे पास यहाँ पे सैमसंग फ़ोन और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर में, यहाँ पे आपको जानी है डेस्क के ऊपर, इसको ओके करें और यहाँ पे आपको जो टीवी कनेक्ट करनी है उसको क्या करनी है, सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 43 इंचेस TU72, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको स्टार्ट ना करें। यह देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। अभी यहाँ पे टीवी पे आप जो देख रहे हैं इसको अलाउ कर ले आप। तो अभी जो देख सकते हैं आपका जो फ़ोन है वो डेस्कटॉप बन गया, आपके टीवी पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो सेटिंग अगर आप देखेंगे तो सेटिंग में दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर दिख रहा है आपको, देख रहे हैं नोटिफिकेशन पैनल के ऊपर कि यूज़ योर फ़ोन एज ए टच पैड। सो अगर आप टच पैड की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो इसको ओके कर लें। तो जैसे ही इसको ओके करेंगे यहाँ पे, ये जो है टच पैड काम कर रहा है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे टच पैड की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी आप ओपन करोगे आप ओपन कर सकते हैं इजीली, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं यहाँ पे ये मेन्यू है, पूरा एप्लीकेशन जो भी आपके फ़ोन पे है वो डेस्कटॉप पे ऊपर आ गया। तो इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका होम हो गया, ये आपका रिसेंट जो भी ओपन था वो यहाँ पे शो करेगा। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे मैं आपको कुछ वीडियोज़ वगैरह मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, जैसे या फिर आप एक्सेल पे काम करना चाहते हो तो आप एक्सेल पे काम कर सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर जाएं और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आप न्यू क्रिएट करना चाहते हो आप एक्सेल पे काम कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन को टचपैड की तरह यूज़ कर सकते हैं और आप टीवी के ऊपर ही आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल वर्ड या डॉक्यूमेंट जो भी है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था पहला मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, तो ये डेस्कटॉप की तरह हो गया। तो यहाँ पे आप अगर वीडियो प्ले करना चाहते हैं आप यहाँ पे जाएं और मैं दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पे आप जाएं, सपोज़ मैं MX प्लेयर से प्ले करता हूँ, तो मैं दिखाता हूँ MX प्लेयर पे और यहाँ पे मैं जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं सपोज़ इस वीडियो को प्ले करना चाहता हूँ तो मैं प्ले कर सकता हूँ फुल स्क्रीन पर। ये देख सकते हैं मेरा फुल स्क्रीन पर चल रहा है और ये इसको मैं चाहूँ तो मिनिमाइज़ कर दिया। देख सकते हैं ये जो फ़ोन है ये आपका नॉर्मल है और आपका टीवी के ऊपर फुल वीडियो चल रहा है। तो इस तरीके से आप सैमसंग डेस्क को यूज़ करके आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही।